Hey guys, आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो हम आ गए आपके लिए न्यू वीडियो लेकर जिसका टाइटल है विक्रांत गुप्ता रिएक्शन ऑन पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप फाइनल। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है। तो लास्ट तक जरूर देखना गाइस, आप लोगों का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि कल फाइनल होने वाले, कल संडे है और कल फाइनल होने वाला है। बहुत अमेजिंग मैच होने वाला है और हम सपोर्ट तो सिर्फ पाकिस्तान का कर रहे क्योंकि हम अपने पड़ोसी देश का करेंगे ना, इंग्लिश देश का क्यों करें हम सपोर्ट, समझ रहे हो ना गाइस। इसलिए हम देखते हैं ये कैसा वीडियो होने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक देखो विक्रांत गुप्ता ने क्या बोला है इस वीडियो में, आप लोगों को पता चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस, उसके बाद आप लोगों से बातें करते हैं। पाकिस्तान इज अ गुड टीम और मैं तो इसके पाकिस्तान को अच्छा इसलिए भी मान रहा हूँ बिकॉज वो नीचे से आए हैं यार। हम लोग कह देते हैं बड़ी आसानी से नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया, बट बाबर ने बोला जी चार मैच तो लगातार जीत के आई है टीम और सेमीफाइनल वाले दिन दे वर कॉन्फिडेंट, नॉट न्यूजीलैंड। यस, हमारी यही न्यूजीलैंड के सामने गिग्गी बंद हो जाती है और न्यूजीलैंड के ऊपर चढ़ के खेले। पाकिस्तान के पास बॉलिंग बड़ी अच्छी है, चार अच्छे फास्ट बॉलर हैं, इनके पास दो अच्छे स्पिनर्स हैं शादाब, तो कंसिस्टेंट। दोस्तों इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं, पाकिस्तान इंग्लैंड की टीमें तारीखी मैच के लिए मद्दे मुकाबिल होने वाली हैं, वर्ल्ड कप का फाइनल होने जा रहा है और चर्चे शुरू हो चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। भारत के मशहूर साफी विक्रांत गुप्ता ने तजिया किया है पाकिस्तान पर मुकाबला इंग्लैंड मैच के हवाले से। और दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम जो बदकिस्मती से टूर्नामेंट से आउट हुई, पाकिस्तानी फैंस तो बहुत खुश होंगे लेकिन दोस्तों मुझे मायूसी हुई क्योंकि विक्रांत गुप्ता जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर इतनी सपोर्ट करते हैं अपनी भारतीय टीम से, अब बहुत उम्मीदें थी उनको लेकिन वो टूट गई और बहुत मायूस नजर आई। इस वाले से मैंने तफसील से बात की है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या कुछ कर सकती है टूर्नामेंट में और क्या पाकिस्तान की खामियाँ हैं, क्या ताकत है और क्या पाकिस्तान धूल चटा पाएगी इंग्लैंड को। तो इस वाले से दोस्तों उन्होंने मुकम्मल तफसील से बात की है, वीडियो में आगे चलकर फुल तफसील से आपको दिखाएंगे। नीचे टाइमिंग चलेगा, आप चाहें तो फुल स्किप करके आगे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल उजैर क्रिकेट पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। कल पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान तारीख मुकाबला खेला जाएगा, बारिश का भी इम्कान है लेकिन दोस्तों उम्मीद है कि मुकाबला खेला जाएगा क्योंकि रिजर्व डे भी है और आपको याद होगा कि पाक भारत मैच में भी बारिश की पेश हुई थी लेकिन मैच मुकम्मल हो गया था। तो आइए दोस्तों बगैर फिर वीडियो की जानिए, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की तारीफ की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हैज ऑलवेज हैड द हिस्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग फास्ट बॉलर्स, उन्होंने कहा ही एडमिटेड कि पाकिस्तान इज अ गुड टीम और मैं तो इसके पाकिस्तान को अच्छा इसलिए भी मान रहा हूं बिकॉज़ वो नीचे से आए हैं यार। हम लोग कह देते हैं बड़ी आसानी से नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया, बट बाबर ने बोला जी चार मैच तो लगातार जीत के आई है टीम और सेमीफाइनल वाले दिन दे वर कॉन्फिडेंट, नॉट न्यूजीलैंड। यस, हमारी यही न्यूजीलैंड के सामने गिग्गी बंद हो जाती है और न्यूजीलैंड के ऊपर चढ़ के खेले, रियली न्यूजीलैंड के ऊपर चढ़ के खेले, तो आपको ये भी फैक्टर रखना होगा। बड़ा मैच है, अच्छा मौसम का ये है कि कल बरसात है यार वैसे फोरकास्ट, बट इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी थी, मैच तब भी हो गया था। वी होप कि वी हैव अ वर्ल्ड चैंपियन टुमारो, ये नहीं कि क्यों जी वर्ल्ड चैंपियन मिल जाना चाहिए, ये नहीं कि बरसात हो गई और धूल गए। आप डर के रहिए, अगला वर्ल्ड कप इंडिया में होना ना 50 ओवर का, जब आंख मूंद करके सोच रहे हैं कि हम जीत ही जाएंगे, सर डर के रहना चाहिए उसके लिए भी, इतना आसान नहीं है। वो टीमें बहुत मजबूत हो गई हैं, टीमें बड़ी अच्छी हो गई हैं, दुनिया में क्रिकेट जो ना दुनिया ही क्रिकेट, वो लोग समझ AI इज एन एक्सट्रीमली लुक्रेटिव एंड रिवॉर्डिंग करियर वंस यू मास्टर द प्रिंस। क्रिकेट कैसे खेलनी है, आप अभी भी कोई 28 साल पीछे खेल रहे हो T20 उस तरह से जैसे वनडे खेली जाती थी, सिंगल दो सिंगल दो सिंगल दो और लोग जो तालियां बजाते हैं, वाह लग रहा है कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। इट इज नाउ वेरी एम्बैरेसिंग, मुझे मतलब अब एम्बैरेसमेंट सी होने लगती है निखिल की, हम लोग भी आते हैं टूर्नामेंट में ख्वाब लेके आते हैं और फिर टीम वापस चली जाती है, हम फाइनल किसी और का बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फिर आई बटलर की बारी, बाबर आजम की आप हाइलाइट्स बताएं। सबसे बड़ी बात है उन्होंने कहा 1992 की जीत डेफिनेटली हमारी टीम के लिए इंस्पिरेशन है और मोटिवेशन है, यही उन्होंने ये कहा 92 वो करेंगे और उन्होंने ये भी बताया कि रमीज भाई आए थे जो अभी
उनके बॉस हैं पीसीबी के, उस टीम का हिस्सा भी थे। हाँ, उस टीम के भी हिस्सा थे और उन्होंने टीम से बात की है, शायद वही चीजें बताई होंगी जिस तरह से वो जीते। अच्छा, जो मैं रवीज राधा ने एक और बात बोली उसमें, मैंने देखा वो वीडियो, उन्होंने कहा है अपनी टीम को इमरान खान के बारे में, तब इमरान ने कहा था गो देयर एंजॉय करो, और ये सोचना नहीं है कि हम जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं, बल्कि ये सोचो कि हमें जीतना ही है, हम जीतने के लिए। हाँ, ये बहुत। तो ये बाबर ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा है लोग कह रहे हैं भाई अच्छा एक सेमीफाइनल खेल के आई है, वो कह रहे हैं हम अच्छे चार मैच खेल के आए हैं, ठीक है उनको फेवर किया दूसरी टीम ने, लेकिन उनपे भी बहुत दबाव था आफ्टर दैट इंडिया लॉस। काम चौनी है, ठीक है हमने देख लिया इंग्लैंड अब एकदम से खतरनाक नजर आ रही है जैसे उन्होंने इंडिया के साथ खेला, लेकिन बॉलर अच्छे पाकिस्तान की वो इंग्लैंड को सूट करती थी। मुझे तो अभी तक लगा पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो इस वक्त थोड़ा सा अनटेस्टेड है, एक दो बार फेल हुआ है, एक दो बार रन बनाया, लेकिन नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड में देखा था बेन स्टोक्स और जो कंपनी है बहुत कम फेस किया है, सडनली टू टर्न इट ऑन मे नॉट बी पॉसिबल। इंग्लैंड की गेम है उनके ओपनर्स पे, उनके ओपनर्स को एडलेड रास आया, शायद मेलबर्न ना आए, एंड बिकॉज बोलिंग फ्रेंडली कंडीशन है आई थिंक इवन कर देता है कॉन्टेस्ट। बट लगता है जो पट्टे खुले हैं ना बटलर और यहाँ नहीं खोल पाएंगे, मुश्किल है। आई थिंक उनको पाकिस्तान के पास बॉलिंग बड़ी अच्छी है, चार अच्छे फास्ट बॉलर हैं, इनके पास दो अच्छे स्पिनर्स हैं शादाब खान। मुझे तो ये लगता है कि इफ पाकिस्तान इज टू विन द वर्ल्ड कप somehow शादाब खान लगते क्या है, यकीन है 99.99% सबसे ज्यादा। इफ्तिखार चाचा भी नहीं, मुझे नहीं पता, पर शादाब को लेकर, शादाब को देखकर लगता है कि यार वो इस टीम के एक्स फैक्टर है, हो सकता है उनके रन सबसे ज्यादा हो, हो सकता है उनकी विकेट सबसे ज्यादा। विक्रांत गुप्ता बोल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है यार, शादाब यहां पे एमसी का चढ़ेगा भी थोड़ा, और शाइन ने पिछले मैच में अच्छा फॉर्म दिखा दिया। अच्छा बताइए ना, बाबा क्या कह रहे थे, हमारे को जो जोश मिला है, जज्बा मिला है, धीरे धीरे हम आए तो कमाल करने ही आए हैं यहाँ पे, हम वैसा ही खेलेंगे। और देखिये ओवरऑल भी अगर आप देखो तो कंसिस्टेंटली अच्छी टी20 टीम है, ये सेमीफाइनल खेली है पिछला टी20 वर्ल्ड कप, ये फाइनल खेले एशिया कप, ये फिर फाइनल खेल रहे हैं। और न्यूजीलैंड जीत के आए, न्यूजीलैंड सीरीज जीत के आए, तो आप इंडिया के कंपैरिजन में कर ले, यही सारे टूर्नामेंट्स इंडिया भी खेला था, कहाँ इंडिया गया है, वन स्टेप बिहाइंड ना, एक कदम पीछे। इंडिया का तो खैर मैं बात नहीं करूंगा बिकॉज पोस्टमार्टम बहुत कर दिया है, बात करने का फायदा भी नहीं है क्योंकि कभी 14 ओवर में मुश्किल से इनके 100 रन बनते हैं हर मैच में, ऐसे थोड़ी होता है। इट्स नो वे डर के खेलते हो आप, टी20 खेलते हो डर के, आपको डर रहता है आउट ना हो जाए, जबकि दूसरी टीमें डराने के लिए उतरती हैं। अच्छा टी20 क्या चीज है, आप बॉलिंग कर रहे हो तो डर रहे हो, बैटिंग कर रहे हो तो भी डर रहे हो, इसमें हकीकत क्या है। आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए और भी अच्छा है, कैसे अच्छा है, उनकी यंग टीम है ये, जो हर प्लेयर यंग है, इंडिया के साथ था जब धोनी एक यंग टीम बना रहे थे तो वो टीम आगे जानी थी, रॉन्ग साइड ऑफ 30s, आप पिछले साल हारने के बाद ना 2-3 चेंज मार देते, अब आपको 8-9 चेंज करने पड़ेंगे, कहां से लाओगे यार, रियली बहुत सही बात बोले हैं, है ना भाई, ये सब विनिंग मोमेंट है, पूरी यंग है देखो, पूरी यंग है, एक भी ना मतलब एकदम थोड़ा एजेड नहीं है ना, तो मतलब ज्यादा एज के जो रहते सीनियर खेलते रहते भाई, हमारे इंडिया में भी ऐसे ही बदलाव करना चाहिए, नए लोगों को चांस देना चाहिए। तो गाइस ये था वीडियो, गाइस बहुत बेहतरीन वीडियो था, और भाई विक्रांत गुप्ता बोल रहे कि पाकिस्तान के मतलब जीतने वाला है, मतलब वो जीत ही गए यार, क्योंकि विक्रांत गुप्ता को इतना नॉलेज है, और रियली ये सही बोले कि साउथ अफ्रीका को हरा के आया, बहुत बड़ी चीज है, और ऐसे नहीं ना एकदम चेस आराम से इजी चेस की है और 150 में रोके, ये बहुत बड़ी बात है यार। तो भाई इंग्लैंड को भी रोकना, क्योंकि देखो मेन जो भी पाकिस्तान के बॉलर है शादाब खान जो बोले, बहुत बेहतरीन बॉलर है शाहीन अफरीदी, इतने नसीम शाह इतने अच्छे बॉलर है ना, कि इनको ना यंग है एक तो, इनको इनके पास टैलेंट भी, और सीखने की जो यंग होते ना उनको सीखने की ज्यादा चाह रहती है, ठीक है। तो ये चीज भी है ना कि देखो अभी ये लोग मतलब हम लोग को
हमारी कंट्री नहीं है वो, लेकिन हमको इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि जीतेंगे है ना। ये चीज होनी चाहिए, लेकिन इंडिया पे ना ऐसा लग ही रहा था स्टार्टिंग से कि हाँ डामर डोर था वो, ये एकदम जीत रहा हार रहे जीत रहा है, ले दे के जीत रहा है, ले दे के जीत रहा है भाई। और गाइस मैं रियली आप लोगों को बता रहा हूँ, फुल टू फुल सपोर्ट है कल के मैच में पाकिस्तान को हमारे तरफ से, और विक्रांत गुप्ता का भी सपोर्ट है भाई। तो आप लोग जानते ही हो फुल टू फुल सपोर्ट है आपकी टीम को, इंग्लिश टीम को कैसे भी करके हराना है। और मेरे को यकीन है आप लोग बॉलिंग भी अच्छे करोगे, बैटिंग भी बहुत अच्छे करोगे, क्योंकि भाई मैं रिजवान और बाबर आजम का बैटिंग में पहले ही देख चुका हूँ भाई। रियली ये जो ये जम गए ना बटलर और स्ट्रोक, ये सब उनके सामने कुछ नहीं है यार। अगर वो जम गए ना तो फाड़ देंगे यार, क्योंकि यंग है ठीक है, और बहुत अच्छा जब हीट करते हैं ना तो अच्छा लंबा लंबा मार सकते हैं, इतना पावर है उनके पास। गाइस आप लोग क्या सोचते हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और अगर आप लोग इस वीडियो पे न्यू होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आई लव यू गाइस।